पर है हमारी, कम से कम इसमें लगेंगे 3.5 दिन इसमें लगेंगे। और एक तो मास्क पहनने के बगैर और ग्लव पहनने के बगैर भी जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये वायरस बहुत आम हो चुका है, इन्फेक्शन इसकी बहुत तेज़ हो चुकी है। और इसका घोंसला जो है ना, बेहतरीन घोंसला या जिसका घर कहते हैं, वो एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट ही इसका बेहतरीन घर होता है ना कोरोना वायरस का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मतलब किसी भी मुल्क से आते हैं, उधर स्टे भी करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल भी कर सकते हैं। मतलब कुर्सी ऊपर भी कोई अंदर बैठ गए, आप भी बैठ गए, तो अल्लाह ना करे लग भी सकता है। हर बंदे को तो ये लग ही नहीं सकता, इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग होता है, ज़ाहिर बात है उससे कुछ नहीं कहता। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं उसके लिए हमने सुना है कि ज़्यादा एज वाले उसके लिए बहुत मतलब ख़तरनाक है ये, वो अलग बात है। खैर चो, बस हमारी ये दुआ होगी कि बस अल्लाह इस चीज़ का जितना भी जल्दी हो सके खात्मा करें और दुनिया मतलब फिर से ऐसे ही अपनी सही डायरेक्शन की तरफ जाएगी। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैंने खुद देखा जनूबी कोरिया के एयरपोर्ट में, जब मैं इधर से पाकिस्तान गया जनवरी में और वापस आ गया अभी, क्योंकि फ़्लाइट्स भी नहीं थे, हर कर्फ्यू लगाई थी फ़्लाइट्सों की। तो बहुत दिनों के बाद शुक्र है मुझे एक फ़्लाइट मिली, जिसको मैंने मतलब पकड़ कर सीधा पूरे किधर रवाना हुआ। बहुत ज़्यादा महंगा था, मतलब जिस टिकट को हम रिटर्न टिकट पे जाते थे जितने पैसों पे, उससे ज़्यादा पैसों पे हमने वन वे ले लिया। देखेंगे कि अल्लाह खैर करे आगे भी। तकरीबन दो एयरपोर्ट जब हम पहुँच गए तो उधर हमारी स्टे थी 18 घंटे हमारी स्टे थी। मुनासिब ना समझा कि मतलब किसी ऐसी जगह में बैठ जाए कि जहाँ पर मतलब ज़्यादा लोग हो, तो बिल्कुल एंड में हम गए आखिरी कोने पे, जहाँ पर ये इनके सफाई वाले कभी कभी आते थे, वो भी इस रास्ते में मतलब कुर्सी वाली जगह पर नहीं, उधर ही हम 3 दोस्त थे इलाके के, हम सब उधर गए, उधर बैठ गए। और हाँ, एक और बात भी याद रखो कि बिल्कुल होम एयरपोर्ट्स में बिल्कुल खाना ना खाओ। अगर आप चाहते हो कि मतलब मैं इन्फेक्शन से बचूँ या कोरोना 19 के अटैक से बचूँ ना, तो एयरपोर्ट में खाने से बिल्कुल गुरेज करो। कोशिश करो कि पाकिस्तान से अगर से निकलते हो तो अपने साथ थोड़ा सा कुछ उठा ले, एक रोटी या थोड़ा सा सालन जो भी हो, बर्गर उठा ले, घर में कुछ बनाए हो होटल से भी नहीं, उसको खा लिया करो जब भूख लगे। नया मतलब ज़्यादा लगे कुछ ना दिए तो ना खाना बहुत बेहतर है, क्योंकि जितने भी हमारे दोस्त कतर से गए थे, मतलब पाकिस्तान से आके कतर में और कतर से पूरे गए, अक्सर लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। रिजल्ट भी उनका नेगेटिव था एयरपोर्ट में, 14 दिन जब करंटीना में रख लेते हैं, तो उसके बाद जब उनकी दोबारा टेस्ट कराते हैं तो अक्सर उसमें लोगों की पॉजिटिव आती है। फिर तो अल्लाह खैर करे, हमारा आज दूसरा दिन है कोरिया में, अल्लाह हमें भी इस चीज़ से बचा ले। फर्स्ट टाइम था मेरा कतर एयरवेज में, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि सफ़र की दुआ भी इसमें पड़ी हुई थी। और जब आगे देखा तो एक बंदे ने स्क्रीन पर मतलब शरीफ की तिलावत लगाई थी, मैं भी हैरान हो गया, मैंने भी चेक किया तो लगा था, बहुत खुशी हुई मुझे इससे, क्योंकि कोरिया के लिए जो हमारे लिए शॉर्टकट होता है, वो सबसे शॉर्ट ट्रैवल जो होता है पाकिस्तान के लिए, वो एयर चाइना है, उससे बेहतर दूसरे नंबर पर ताई एयर है। हम इस दोनों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये तो बहुत लॉन्ग है ना कतर एयर वे, नहीं थी तो मजबूरी की वजह से इसमें ले लिया हमने टिकट। भी आगे भी आपको बताते रहेंगे। हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि कतर एयर में आप लोग वाईफाई भी यूज़ कर सकते हो फ्री में,
वो भी तकरीबन 1 घंटे के लिए, वैसे $10 दोगे तो मतलब पूरी फ्लाइट में आप यूज़ कर सकते हो ना, तो ज़रूरत ही क्या है, हम क्या किसी से बातचीत कर सकते हैं, इतनी तेज़ भी तो नहीं हो सकती, लेकिन मैसेज वगैरह आप कर सकते हैं, किसी को भी तस्वीर तस्वीर ना भेजो, वैसे मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मैं हमारी आज हवा में थी जब मैंने इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, और बस 8.5 घंटे के सफ़र के बाद हम फिर बहरीत कोरिया पहुंच गए। कोरिया हमारे लिए ऐसे ही है कि मतलब जैसा हमारा दूसरा घर, बहुत अरसा हो गया हम इधर रहते हुए, पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर की बात यह है कि हम जब आ गए टेस्ट के लिए तो उन लोगों ने बता दिया कि आप पाकिस्तानी हो, आप बहुत ज़्यादा एहतियात करो, क्योंकि एक दिन पहले वाली जहाज़ में लोग बता रहे कि 16 के 17 लोग पॉजिटिव आए थे, वाकई बहुत सदमे वाली बात है। और कल इतवार था, तो इतवार के रोज़ कुरियन गवर्नमेंट ने एक नई लॉ पास की कि शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों पर की एंट्री पर ये बैन लगाए या उसके लिए कोई सख्त कानून बना ले, मतलब कि आने से पहले टेस्ट चेस कराए कंफर्म, तब शायद आ सके, क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट में पकड़ जाते हैं ना टेस्ट के बाद, क्योंकि उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, और ज़ाहिर बात है इसका ख़र्चा सब कुछ और कुरियन गवर्नमेंट ही उठाता है। हम भी जब आ गए तकरीबन 18 के कितने पाकिस्तानी थे हमारी फ़्लाइट में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। मैंने खैर ज़्यादा से लोगों से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अक्सर लोग माइंड करते हैं, मतलब कह रहे जब भी मुझे मौका मिलता था उधर ही बस एक छोटी सी क्लिप बना के सब क्लिप जमा करके टाइम निकाल कर उसको बस फिर एडिटिंग उसमें की, और उसके ऊपर अभी मैं खुद डबिंग करता हूँ। उर्दू पठान उर्दू में मेरी इतनी मजबूत नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि लोगों को समझ आ जाए। ये जिसको भी इस तरह फार्म देते हैं ना हेल्थ वाले, मतलब ये कोरोना के लिए 4 फार्म होते हैं और इसको सही तरीके से भरना पड़ता है, लेकिन एड्रेस बिल्कुल सेम एड्रेस हर फार्म में एक ही एड्रेस आपने लिखना होगा, मोबाइल नंबर लाजमी लिखना होगा। और इसमें अगर आप एंड्रॉयड वाले फ़ोन यूज़ करते हो तो सेल्फ आइसोलेशन ऐप है, उसको डाउनलोड करो, उसके बगैर भी शायद ना जाने दे बाहर। तो देखो ये लोग अगर कोई उस लॉकर को हाथ लगाए अंदर टेस्ट होता है ना, ये बंदा फौरन उधर जाकर उसको मतलब डिटॉल वाले उससे साफ़ करता है टिशू से, फिर दूसरा बंदा अंदर जा सकता है बिल्कुल एहतियातन। और तकरीबन 8 घंटे बाद हमें थोड़ा मौका मिला और इन लोगों ने हमें ये बर्गर दिया, ये बर्गर झींगा बोलते हैं क्या बोलते हैं उर्दू में, मूवी वाला बर्गर है, मज़े का था। पहले पूछा हमसे कि मुसलमान हो ना तो हलाल तो कहेंगे, हलाल तो खैर ये नहीं था सर्टिफाइड, लेकिन फिर और ये वो जगह जहाँ पर आप बैठ सकते हो, एक एक बंदा जाके अपना COVID-19 का टेस्ट दे सकता है, हर बंदा इधर आने पहले तक बैठेगा, 2-3 बंदे नहीं बैठ सकते। खैर हम पाकिस्तानी तो पहले 2 कोनों में सब बैठे थे, गपशप लगा रहे थे, फिर एक आंटी आ गई, उसने बोला कि सब अलीहदा बैठ जाओ, ये एक पोस्ट नहीं है, हमें होटल दे दिया, हम इधर आ गए, बेहतरीन होटल था, फर्स्ट क्लास, पुरसकून माहौल था इसका, मतलब एक बंदे के लिए एक रूम था, ये बहुत मुश्किल काम है फ्री में किसी को इतनी सहूलियत देना, और ये सब फूल इनको हम तो बहुत खुश हो गए इनकी इस तरह के हालात देख रखे। उदासी भी होती है कि यार ये नहीं आते रोजाना हजारों लोग आते हैं, एक ही सिस्टम है, शुक्रिया अदा को करेंगे कि अल्लाह हम सबको इस कोरोना से निजात दिलाए। अगली रोज़ सुबह 4 बजे हमें मैसेज आया कि आप सब मतलब हर बंदे को आया कि आपका टेस्ट नेगेटिव है, फिर हमने नीचे आ गए, वो जो सेफ्टी कपड़े पहने वो बंदे थे, हम सबको एक बंदे को अलग अलग करके नाश्ता दे दिया, फिर हम होटल में बैक आ गए। ये वो नाश्ता है जो हमें दिया था, फ्राइड राइस है और ये किमची कुरियन के एक का एक किस्म अचार है, ये निशान जो आप देख सकते हो इसका ये मतलब है कि आप कोरोना का टेस्ट आपका नेगेटिव है, हम
जितने भी बंदे हैं सब टीके लगे हुए हैं, तभी ये बाहर घूम फिर सकते हैं। मुझे खुद भी लगा ही है। बस में बैठ कर हम अपनी मंजिल की तरफ गए, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वैसे हमारा स्टाफ बहुत दूर था, लेकिन इन लोगों ने हमें मेन सिटी में छोड़ा। इधर से फिर इन लोगों ने हर बंदे से अलग अलग पूछे कि आपका कौन सा मतलब टाउन है, आपका कौन सा टाउन है। हम तीन बंदे एक टाउन से थे, वो भी गवर्नमेंट की टाउन से। एक टैक्सी आई थी, इन लोगों ने खुद बनाई ड्रॉप के लिए, ये भी बिल्कुल फ्री में होती है। और हर एक बंदे को इस तरह ले इधर सेपरेट टैक्सी में लेके जाना, ये कूड़े जैसे मुल्क में आसान काम नहीं है, क्योंकि टैक्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी है। और अगले रोज़ हमारे लिए ये खाना लेके आए, फूड है, पानी था, सब कुछ था, हमें सब कुछ मिल गया। और डेली चेकअप के लिए भी कोई ना कोई आएगा शाम तक। बस यही सब कुछ था, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप लोगों ने देखा मेरी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ये आप लोग भी मुझे अपनी राय दे दें कि आप कहाँ से कहाँ ट्रेवल करते हो। कोविड-19 के दिनों में जिस तरह हम पाकिस्तान से निकले, तकरीबन 17 तारीख की शाम तकरीबन 9 बजे हम घर से निकले थे, और 20 तारीख को तकरीबन 11 बजे हम कोरिया अपने घर आ गए। इस दौरान हमें बहुत से तकालीफ से गुजरना पड़ा, ट्रेवलिंग बहुत मुश्किल हो गई है। और दूसरी बात यह कि घर आके भी तकरीबन, वैसे टेस्ट भी हमारा नेगेटिव था, घर आकर भी तकरीबन 14 दिन हमने सेल्फ क्वारंटीन करना होगा इधर कोरिया में। और ला बहुत सख्त है, इस तरह के मतलब लोग अपना पूर्ण घर में छोड़कर बाहर निकल जाते, इस तरह कुछ नहीं होता। अगर किसी को पकड़ा गया तो डिपोर्ट ही होगा और तकरीबन $10,000 उसका जुर्माना होगा। तो पड़े फूड भी लेके आया आज एक बंदे ने, अल्लाह खैर करा गया कि कुछ भी नहीं हुआ अगले 14 दिन के लिए। इंशाल्लाह मैं वेट करूँगा आप लोगों की राय का, कमेंट्स में बता दें हमें। इंशाल्लाह मैं भी पूरा कोशिश करूँगा कि और भी कोई अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के हवाले। अस्सलामुअलैकुम।